तेरा कोका तेरी पाली हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों ने प्रीव्यू में जो वीडियो देखी है वो वीडियो कैसे बनाए मैं वो बनानी सिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को जरूरत पड़ेगी फैक्ट बीटर की। इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है, एक फैक्ट बीट क्रिएट करना है जैसे कि मैं आप लोग करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का आप लोगों को जो इंटरफेस होने वाला है देखें इस तरीके से नज़र आएगा। एंड यहाँ पे क्रिएट ट्वीट पे करना है, एंड प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे टैप करना है, एंड गैलरी में जाना है। जो आप लोगों को प्रोफाइल पे पिक लगानी है वो ले लेनी है, जैसे कि मैं लगाने वाला हूँ। इधर से मैं ले लेता हूँ इसको, एंड इसको क्रॉप करके इधर से प्रोफाइल पे आ जाएगी। एंड नेम पे टैप करेंगे, नेम पे अपना नाम डाल देना है जो भी आप लोगों का नाम है, जैसे मेरा नाम सलमान है, मैं डाल देता हूँ इधर। एंड यूज़र नेम पे जाना है, जबकि अपनी इंस्टा आईडी एंड ट्विटर आईडी जो भी आप डालना चाहते हैं इधर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ लिख के। एंड ये यहाँ से हो जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ सलमान चौधरी है मेरा यूज़र नेम, ये इधर से हो जाएगा जैसे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये डल चुका है। एंड यहाँ से आप लोगों को जो भी शायरी वगैरह लिखनी है वो यहाँ से ले लेंगे। जैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कॉपी करके रखा हुआ था पहले से ही, यहाँ से इसको कर लेंगे। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको आप, जैसे कि मैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह ले लेता हूँ, यहाँ से हो जाएगा। एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ से ले लेंगे स्टिकर, ले लेते हैं हम यहाँ से इसको ले लेंगे। एंड यहाँ से हो जाएगा, एंड कुछ नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों ने। एंड उसको फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो क्रॉप कर लेना है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसको इतना क्रॉप कर लेंगे यहाँ से जो कि ये कुछ नज़र ना आए। एंड यहाँ से इसको कर लेंगे, एंड ये इतना हो जाएगा, इसको राइट कर लेंगे यहाँ से। एंड इसको जो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा उसके बाद में कुछ नहीं है, यहाँ पे फैक्ट ट्विटर का काम खत्म हो जाता है। फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी पिक्सल लैब एप्लीकेशन की, जिसको कि मैं खोल के आप लोगों के सामने इंटरफेस इस तरीके से नज़र आएगा। एंड इमेज साइज में जाएंगे हम, थ्री डॉट पर टैप करेंगे इधर नहीं, थ्री डॉट पर टैप करना है एंड इमेज साइज पर जाना है। एंड इसकी 1080 रखनी है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ 1080, एंड यहाँ पे 1920 रखना है, 1920 हो जाएगा। एंड इसको जो है फिर यहाँ पे प्लस पे जाना है, एंड फ्रॉम गैलरी पे जाना है। एंड आप अपने फ़ोटो पे बनाना चाहते हैं, अदरवाइज कोई भी फ़ोटो बनाना चाहते हैं वो फ़ोटो ले लेंगे, जैसे मैं लेके दिखा रहा हूँ इधर से। एंड जैसे मैं यहाँ से ले लूँगा इसके, एंड इसका 1960 रेशियो रखना है। एंड इसको जो फुल साइज़ में कर लेंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ इधर करके, एंड इसको कर लेंगे एडजस्ट अपने हिसाब से जैसे कि मैं कर ले रहा हूँ। एंड इसको जो लॉक कर देना है, एंड फ्रॉम गैलरी पे दोबारा जाना है, इधर क्लिक करना है, एंड आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको लेके आना है। एंड इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी रखना है आप लोगों ने, जैसे कि मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, इसको इधर यहाँ पे रख लेंगे। एंड इसको यहाँ पे रखने के बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर प्लस के आइकॉन पे जाना है, यहाँ पे शेप्स में जाना है। एंड इसको जो है थोड़ा इसका ओपेसिटी कम कर लेंगे, इसको ऐसे रखना है, यहाँ से रख लेंगे जैसे मैं रख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एंड कुछ नहीं करना, ओपेसिटी इसकी फुल कर देनी है आप लोगों ने, फिर दोबारा से यहाँ पे इसको रख के जैसे कि मैं रख के दिखा रहा हूँ कॉर्नर से बाहर रखना है इसको। एंड ओपेसिटी फुल कर देंगे, एंड रेड्यूस जो 10 पॉइंट रख देंगे, एंड इसको ऊपर कर लेंगे। एंड यहाँ पे इन दोनों को एक करने के बाद यहाँ पे ले लेंगे इजीली, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। एंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सेव वाले ऑप्शन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऊपर, यहाँ पे मैं जैसे टैप करूँगा यहाँ पे रख लेते हैं इसको, पहले इसको रख लेते हैं इधर, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक लगेगा ये, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड ठीक है, यहाँ से सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे पिक्सल लैब का भी काम करना होता है, फिर काम शुरू होता है वीटा एप्लीकेशन का, इसको जो यहाँ से खोल लेना है। एंड कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को नज़र आएगा। एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है आप लोगों ने, एंड यहाँ पे जाना है आप लोगों की जो अभी फ़ोटो है उसको ले लेना है इधर से, जैसे कि मैं लेके दिखा रहा हूँ। एंड इस तरीके से इसमें इंपोर्ट होगा, एंड इसका साइज़ आप जितना भी सेकंड का रखना चाहते हैं रख लेना, जैसे मैं 10 सेकंड का रखना चाहता हूँ, मैंने रख लिया है। एंड कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है, इफेक्ट में जाना है, एंड यहाँ से जो है इफेक्ट में जाना है। एंड आप लोगों को जो फिल्टर मिलेगा ये विंटर में मिलेगा, मेटेरियल 2, इसको ले लेना है यहाँ से जैसे मैं लेके दिखा रहा हूँ। एंड राइट कर देना है इसको, जितना आप लोगों को फिल्टर चाहिए था फुल कर देना है इमेज के बराबर। एंड यहाँ से बैक आना है, कुछ नहीं करना है, इधर से बैक आ जाएंगे इजीली, इस पर टैप करेंगे तो बैक आ जाएंगे। एंड एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का इतना काम खत्म हो जाता है अभी। एंड आप लोगों का काम शुरू होता है अब लास्ट एप्लीकेशन में काम शुरू होगा, तो इतने में एक्सपोर्ट आ रहा है। आप लोगों को बता दूँ ये कुछ एप्लीकेशन जो है इसमें से प्ले स्टोर पे से, जैसे कि इनशॉट है वो प्ले स्टोर पे से नहीं करनी है, जैसे कि मैं खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये बताऊँगा अभी कहाँ से करनी है। एंड इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके का नजर आएगा। एंड यहाँ पे से वीडियो ले ली है, एंड इसको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसको क्लिक करके, एंड राइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है। एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिल्टर में जाना है आप लोगों ने, फिल्टर में जाने के बाद कुछ नहीं करना है, इफेक्ट में जाना है, यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, जैसे कि मेरा थोड़ा नेट स्लो है, नेट मैंने शायद ऑन नहीं किया है नेट, जैसे कि ग्लिच में जाना है। एंड आप लोगों को अपना नेट ऑन रखना है, सॉरी मेरी गलती हो गई कि मुझसे नेट ऑन नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे नेट ऑन कर लेंगे अपना, ठीक है, यहाँ पे ग्लिच पे जाएंगे। एंड लास्ट वाला ऑप्शन जो सबसे लास्ट वाला है जेपीएस, इसको जो है सबसे यहाँ पे रख लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक फ़िल्टर है, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे एंड राइट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड इसकी जो है साइज़ बढ़ा देनी है आप लोगों ने, जैसे कि मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ इधर, इसको जो फुल कर देना है। एंड कुछ नहीं